नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नगर के बैचलर इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित श्री अन्य मिलेट फूड डे मेला के उद्घाटन मल्लाई मनीष चौहान, डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी अनुराग आर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा श्री अन्य से बने विविध पकवान जैसे रोट, खीर, हलवा, बर्फी, समोसा, टिक्की के अधिकारियों ने स्वाद चखा। इस अवसर पर मल्लाई ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मिलेट मोटे अनाज को श्री अन्य की उपाधि दी गई है। उन्हें कहा कि श्री अन्य में काफी अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जबकि सामान्य रूप से हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अन्य जैसे गेहूं, चावल आदि में उतने ही अधिक नहीं पाए जाते। उन्हें कहा कि आयरन, फास्फोरस व अन्य ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत जरूरी है, वह सभी पोषक तत्व मिलेट के प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए दैनिक खान पान की आदतों में शामिल करें। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं तथा बीमारियों से बचाव में काफी मददगार होते हैं। गेहूं, चावल आदि की खेती अधिक पानी के साथ ही फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। उन्हें कहा कि फर्टिलाइजर के उपयोग से खेत की उर्वरता शक्ति कमजोर हो जाती है तथा उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए कृषकों को ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान देकर कदम बढ़ाना चाहिए, मोटे अनाज की पैदावार इससे अधिक होगी। मनाया जा रहा है किस तरह से फार्मर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए विभिन्न रोगों से छुटकारा मिलेगा, सरकार और प्रशासन और खासतौर से इसमें किसानों को क्या दिशा मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कि जो मिलेट्स हैं उनकी खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे बाजार में उसकी मांग को पैदा किया जाए, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास होंगे। और आप सभी जानते हैं कि मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है और इसको यदि हम दैनिक खानपान की आदत में सम्मिलित करें तो इससे हमारे स्वास्थ्य को तो फायदा होगा ही, साथ ही बाजार में इसकी मांग भी पैदा होगी, जिससे किसानों को इसके अच्छे दाम मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको लगाने की तरफ प्रेरित होंगे। तो आज उसी को लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें कई यहाँ के रेस्टोरेंट्स और मिठाई के जो है व्यापारी, उन्होंने अपनी यहाँ पर स्टॉल लगाई है और उन्होंने कई प्रकार के व्यंजन इसके बनाए जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस मेले का लाभ उठाएं, इसके व्यंजनों को चखें और इसको दैनिक खान पान की अपनी आदत में सम्मिलित करें। माननीय पीएम जी का अनुश्री योजना है, इसमें शामिल किया जाए अनुश्री योजना, इसको श्री अन्न का नाम दिया गया है। जो मिलेट्स है इन सबको श्री अन्न के नाम से हम पुकारें, ताकि नहीं तो हम लोग क्या इसको मोटा अनाज बोलते हैं तो वो कहने से लोगों को थोड़ा सा एक उतना अच्छा संदेश नहीं जाता। तो श्री अन्न के नाम से, क्योंकि ये सब सुपर फूड है, इसमें कई प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी इसके माध्यम से हम लोगों को मिलते हैं, तो श्री अन्न का नाम दिया गया। इसमें कोई दाम भी निर्धारित की गई है इसके? नहीं, इसके दाम नहीं निर्धारित किए गए, ये तो इसमें किसानों को मिनी किट दिए जाएंगे, साथ ही किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रेस्टोरेंट्स और इनके मेन्यू में भी इसके जो व्यंजन है उनको सम्मिलित किया जाएगा, जिससे मांग बढ़ेगी। ये आप लोग जैसा जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा, उसी के क्रम में भारत सरकार ने हर जनपद में मिलेट्स डे मनाने की योजना की है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी एक कार्यक्रम हम लोग के विभाग को दिया गया कि हम लोग मिलेट्स के प्रचार प्रसार करें और मिलेट्स से बने हुए खाद्य पदार्थ स्पेशली व्यंजन अच्छे से उसका प्रदर्शनी लगाएं ताकि आम जनमानस में उसको खाने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी हो। जैसा अभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये मिलेट्स जो हैं सुपर फूड्स होते हैं, जिसे खाने से स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा फायदे हैं और ये कहीं बहुत अच्छा है अनाज जैसे गेहूं चावल से, तो इसको अपने दैनिक जीवन में लाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में। इसमें कृषि विभाग से भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है और भूमि संरक्षण विभाग से भी प्राप्त हुआ है। सर, कितने स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पे? 20 स्टॉल की व्यवस्था थी, दो अन्य और भी है, तो 22 खाद्य कारोबारियों ने अपने अपने विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई है जो ऑन सेल भी है और लोग चाहें तो उसको खरीद के खा सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग अपने से स्वयं प्रमोशन के तौर पे भी खिला रहे हैं।
क्या ये आम जनता के लिए फायदेमंद होगा? ये बहुत ही फायदेमंद है, जैसा कि आप पहले हमारे पूर्वज के ये अपने सामान्य भोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो ये बीमारियों को दूर करता है। इसमें बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कैंसर रोधी होते हैं। इसके खाने से ये निश्चित तौर पे हमें जो आजकल की जो लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं उससे हम लोग बचेंगे। खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।